तो भाइयों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे को न्यू वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं AK-72 का ऑटो चैलेंज, मतलब हम ऑटो से खेलने वाले हैं। एंड इसका मैंने मैनुअल चैलेंज किया हुआ है तो वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो में भी ये गन अच्छी चलती है, मतलब AK-72 मैनुअल पे तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन ऑटो पे उससे भी अच्छी चलती है। ऑटो पे सभी गन अच्छी चलती है लेकिन ये भी बहुत अच्छी चलती है। और आप देख सकते हैं मतलब इतना फायर रेट इसका, अगर आप ऐड पे रखते हो ना ऐड के थोड़ा भी बाजू में तो भी ये फायर मतलब कर ही लेता है अपने आप में एंड मतलब बंदे को मार देता है, ठीक है, तो किल कर देता है ये। मतलब बहुत ही अच्छा मेरे को लगा ये, मतलब ऑटो पे बहुत ही अच्छा चलता है एंड अच्छा वर्क करता है। और फौजी के अंदर ये बात सही है कि ऑटो पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड अगले अपडेट में तो और ही मज़ा आ जाए फिर तो मैं वैसे ऑटो पे नहीं खेलता, मैं मैनुअल पे खेलता हूँ। बट मैं जस्ट ऐसे ट्राई करने के लिए खेल रहा हूँ कि कैसा चलता है, सभी का गन का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसके लिए खेल रहा हूँ। और ये ग्लिच देखो भाई, आधा बंदा ज़मीन में घुसा हुआ है, ये ग्लिच मेरे को अच्छा लगा। तो मतलब ग्लिच अच्छा नहीं लगा लेकिन बता रहा हूँ ये ग्लिच है। मेरा देखो मेरा पैर बाहर है लेकिन ये बंदा अंदर चला गया था, तो ये सीन था। एंड कभी थोड़े थोड़े ग्लिच एंड बग्स हो जाते हैं, तो ये भी अब बंदा उछल रहा था, वो भी आप बग्स देख सकते हैं। एंड इस बंदे को मैंने मार दिया। लेकिन आप AK-72 में ये देख सकते हैं, अगर आप ऑटो पे खेल रहे हो तो मतलब देखना बहुत लेट वो होता है, मतलब आप कितना घूमोगे और कितनी देर तक आपको रखना पड़ेगा। अगर आप शॉटगन या किसी स्नाइपर से या मार्क्समैन जो हमारी AK-42 है उससे अब अगर आप खेलते हो तो उसका मतलब थोड़ा सा अगर घुमाओगे फिर भी उसका फायर लग जाता है। लेकिन इसका ऐसा सीन नहीं है, इसका आपको ऊपर रखना ही पड़ेगा हेड के ऊपर या बॉडी के ऊपर, फिर ही बंदा मरेगा, ठीक है, फिर ही फायर स्टार्ट होता है। तो मतलब इसका ये माइनस पॉइंट लगता है मेरे को ऑटो के अंदर। बाकी गन ऑटो पे अच्छी है, वो थोड़ा बुलेट भी फास्ट जाता है इसमें। अगर आप सिंगल पे करते हो तो देखना थोड़ा सा फास्ट आपको लगेगा कि थोड़ा सा फायर ज़्यादा करता है, मतलब थोड़ा फास्ट फायर करता है, तो ये प्लस पॉइंट इसका मेरे को लगता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनुअल पे खेलो, क्योंकि मैनुअल पे क्या है ना प्रैक्टिस होगी, अगर आप ऐसे खेलते हो तो मतलब ऑटो पे तो वही हो जाता है, तो मतलब इतना प्रैक्टिस नहीं होती एंड इतना मज़ा भी आपको नहीं आएगा आई थिंक, क्योंकि अगर मैनुअल पे अगर डायरेक्ट की आप खेलोगे तो क्या ही मज़ा आएगा। तो मैनुअल पे खेलो एंड ऑटो पे उतना मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं खेलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसा सीन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खेल के, एंड थैंक यू। एंड अगर आप इसका मैनुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं।